फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस से राहुल और प्रियंका निकले हैं, दिल्ली वापस आ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली वापस आ रहे हैं। हाथरस जाते वक्त हिरासत में लिए गए थे दोनों के दोनों नेता। धक्का मुक्के के बाद में हिरासत में लिए गए थे राहुल और प्रियंका, और इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस से निकल करके अब दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। ये इस वक्त की एक ताजा अपडेट है, क्योंकि अगर फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस में पुलिस प्रशासन की टीमें राहुल और प्रियंका को रखी होती तो शायद वहां पर और ज्यादा हंगामा बढ़ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता, और इस तरीके से ये पूरा हंगामा किसी दूसरी तरफ जाते हुए दिखता। इसलिए फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस से राहुल और प्रियंका को जाने की इजाजत दी गई है। और जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल और प्रियंका को उस गेस्ट हाउस में उस वक्त रखा जाएगा जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं, मगर अब पुलिस प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि राहुल गांधी को सांकेतिक तौर पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। क्योंकि ऐसा आप देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर जब कोई विरोध प्रदर्शन या पैदल मार्च या किसी ऐसे के जरिए की जाती है जहां पर पाबंदी होती है, तो फिर सांकेतिक तौर पर कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत डिटेन किया जाता है, जिसके तहत हिरासत में लिया जाता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से एक जो बड़ा बयान आया था वो ये कि हाथरस में साजिश थी जातीय हिंसा फैलाने की, इसलिए किसी को जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी गई। मगर इस वक्त राहुल गांधी को जाने की इजाजत दे दी गई है, हाथरस नहीं दिल्ली उनके घर, प्रियंका गांधी को भी। फरा हमारे साथ में। फरा, कितनी देर तक राहुल गांधी को फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस में रखा गया और इन दोनों को जाने की इजाजत के साथ कुछ शर्तों पर दिया गया या सीधे सीधे छोड़ दिया गया? जी, जब बात जिस तरीके से लोग हाथरस जा रहे थे और जो भी हुआ, पहले हिरासत में लिया गया और फिर रोका गया, अब F1 गेस्ट हाउस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल गए हैं। उनको यमुना एक्सप्रेस से हिरासत में लेकर F1 गेस्ट हाउस लेकर गई थी पुलिस, तो वहां पर जो भी उन लोगों के बीच बातचीत हुई, अब दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला को वापस जो है अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ले जाया जा रहा है, DIC। तो अब ये लोग दिल्ली रवाना होंगे, तो जो भी पुलिस और इनके बीच फरा, अभी स्थिति क्या है? चूंकि जब राहुल जा रहे थे हाथरस तो एक गाड़ियों का काफिला था, उनके साथ साथ में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, बड़े स्तर पर भारी तादाद में कार्यकर्ता थे। राहुल और प्रियंका पुलिस की गाड़ी में दिल्ली भेजे गए हैं या अपनी अपनी गाड़ियों से ही? राहुल और प्रियंका चूंकि एक ही गाड़ी से दोनों आए थे, तो दोनों अपनी ही गाड़ी में वापस जा रहे? नहीं, अभी ये पुलिस के साथ निकले हैं, फिर वहां से उन्हें दिल्ली जो है रवाना किया जा रहा है, उनको लाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। तो ये खुद नहीं निकले हैं, पुलिस की तरफ से लाया जा रहा है। और जिन तमाम कार्यकर्ताओं की आप बात कर रहे हैं, तो माहौल आपको साफ दिख ही रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ, कितनी झड़प हुई और हिरासत में राहुल गांधी जी को भी लिया गया और जिस तरीके से वो बार बार गिरे। तो अभी मामला साफ ये है कि अभी उनको दिल्ली के लिए वापस ले जाया जा रहा है और पुलिस जो है F1 गेस्ट हाउस से लेकर उनको निकली है, अब दिल्ली के लिए टीम के साथ रवाना हो रही है। राहुल क्या समझे, माफ कीजिएगा फरा, क्या समझे कितना वक्त लगेगा फॉर्मूला वन का जो गेस्ट हाउस है वहां से दिल्ली पहुंचने में इस वक्त? जी, वहां से निकल गए हैं, अब वहां से जो भी जितना देर लगती है उतनी देर में वो पहुंचेंगे। निकला जा चुका है, तो पुलिस जो है F1 से गेस्ट हाउस से निकल गई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर, और दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए वो लोग निकल गए हैं। तो जितनी भी देर लगती है उतनी देर में वो लोग पहुंच जाएंगे। राहुल और प्रियंका के साथ में कांग्रेस पार्टी के कोई और दूसरे नेता, कोई बड़े नेता भी हैं? क्योंकि साथ में जाते वक्त तो कई सारे लोग थे। जी जब्बार, मैं आपको बता दूं कि उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, तो उनको भी लेकर जो है पुलिस गौतम बुद्ध नगर अंतर्राष्ट्रीय सर्किट उनको ले जाया जा रहा है। तो तमाम कार्यकर्ता उनके साथ थे, और जो बड़े जो जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, तो उनकी भी रवानगी वापस की तरफ हो रही है। तो उनको अलग टीम जो है वो उनको वहाँ गौतम बुद्ध नगर अंतर्राष्ट्रीय सर्किट लेकर जा रही है। फरहा, अभी वहाँ की स्थिति क्या है? ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे से सभी कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया, रास्ता खुल गया? जी, कोशिश पूरी की जा रही है, जितने कार्यकर्ता बचे हैं उनको हटाया जा रहा है और पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है। स्थिति जो है कोशिश की जा रही है, जितने लोग वहां रह गए उनको हटा दिया जाए और रास्ता साफ हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए फरा।